आज की हमारी मंजिल है रन पठानी रेलवे स्टेशन। हम गुजर रहे हैं गद्दर फाटक फ्लाईओवर, जिसे सस्सी फ्लाईओवर भी कहा जाता है। व्यूअर्स, हम ओल्ड नेशनल हाईवे पर सफर करते हुए वहां पहुंच चुके हैं, जहां से घारो 5 किलोमीटर दूर है, और यहां से थोड़ा सा आगे सुफियान भाई और स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, और यहीं से एक रास्ता जाता है रन पठानी रेलवे स्टेशन को। व्यूअर्स, ये आ गया रन पठानी रेलवे स्टेशन। याहू, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट सलमान फैसल। व्यूअर्स, कोई भी सफ़र अपने अंदर कई दिलकश पहलुओं को समाये हुए होता है, और एक सयाह के पास एक खुला जहन, मुशाहिदा करने वाली आँख और अनजान माहौल से मुताबत की सलाहियत होती है, और अगर ये अनासिर यकजा हों तो एक अच्छा सफ़रनामा वजूद में आता है। व्यूअर्स, मैं आज दुनिया की तन्हा तरीन जगह जा रहा हूँ। मैं आज रन पठानी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। मैं आज चटियल मैदानों, बरसाती नदियों और सुनसान सहराओं में अपनी खुशी लेने जा रहा हूँ। मुझे हमेशा अपने शौक़, अपने महबूब के लिए ऐसी वीरान जगहों का सफ़र करना पड़ता है। मेरा महबूब, मेरा जोगी, हमेशा मुझे ही अपने जोगी के पास जाना पड़ता है। उसने कहाँ कहाँ डेरे डाल रखे हैं, कहाँ कहाँ बसेरे कर रखे हैं। आज का मेरा महबूब सफ़र है रन पठानी रेलवे स्टेशन का, और अपने इस महबूब की तलाश में मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, ये आप इस व्लॉग को देखकर बखूबी जान जाएंगे।
तो व्यूवर्स, आज का मेरा व्लॉग है रन पठानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की कामयाब सफ़र की सरगुजशत, जो हमने 20 फरवरी सन 2022 को किया। व्यूवर्स, इस व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सफ़र में मेरे हम सफ़र थे पाक रेलोग्राफी के सुफियान भाई, स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन और मेरे साथी फैसल रहमान भाई। 20 फरवरी की सुबह 6:30 बजे हमने रन पठानी के लिए अपने सफ़र का आगाज़ बाइकों पर किया। शाहरा फैसल पर रज़ाकाबाद के नज़दीक एक पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल के नाश्ते का इंतज़ाम किया। गदर रेलवे स्टेशन के नज़दीक गग्गर फाटक फ्लाईओवर से 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को कैप्चर किया। और इस वक्त हम गुजर रहे हैं गग्गर फाटक फ्लाईओवर, जिसे सस्सी फ्लाईओवर भी कहा जाता है, बल्कि इसका असल नाम तो सस्सी फ्लाईओवर ही है। ढाबे जी नखलिस्तान, और इस वक्त हम ढाबे जी रेलवे स्टेशन के नज़दीक हैं। ढाबे जी पर उतर चुके हैं और हमारी मंजिल है रन पठानी रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, हम ओल्ड नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हुए वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से घारो 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे सुफियान भाई और स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, और यहीं से एक रास्ता जाता है रन पठानी रेलवे स्टेशन को। जल्द ही हम ढाबे जी से आगे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पहुँच गए, जहाँ से एक कच्चा रास्ता रन पठानी रेलवे स्टेशन को जाता है। सुफियान भाई इस कच्चे रास्ते पर सफ़र कर चुके हैं घारो रेलवे स्टेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें रन पठानी रेलवे स्टेशन जाना है। ये है सुफियान भाई, अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, और ये है स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। कैसे भाई? तो आज हमें चलना है रन पठानी रेलवे स्टेशन। पहुंच चुके हैं हम लकड़ी जी, और ये भी एडवेंचर से भरपूर एक सफ़र होगा। तो चले अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रन पठानी रेलवे स्टेशन कराची से 78 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और यहां तक पहुंचाने के लिए गूगल मैप भी फेल हो जाता है। हमें यह मालूम था कि ढाबे से आगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कच्चा रास्ता रन पठानी यानी रन पठानी नदी तक जाता है, और हम उसी रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। इस रास्ते से सुफियान भाई फैमिलियर थे, क्योंकि उन्होंने इसी रास्ते से घारो रेलवे स्टेशन का ट्रिप किया था। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक और दुश्वार गुजार रास्ता है ये रन पठानी रेलवे स्टेशन का, और हम इस पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में सड़क भी होगी जो बर्बाद हो चुकी है। व्यूअर्स, ये ट्रैक गुजर रहा है, ये आप देख सकते हैं, और ये एक छोटा सा ब्रिज है। चलें फैसल, चलें।
जी मोहसिन जी सर, कितना ख़तरनाक और दुशवार गुजार रास्ता है ये रन पठानी रेलवे स्टेशन का, लेकिन बहुत अच्छा एडवेंचर है यार। एडवेंचर अच्छा है, बस बाइक के साथ में हमारा अच्छा रहेगा। जल्दी हम उस रेलवे ब्रिज के पास पहुंच चुके थे जहां से बाएं तरफ घारू रेलवे स्टेशन को रास्ता जाता है और ये ब्रिज 67 किलोमीटर मार्कर पर आता है। ये एक रेलवे ब्रिज है जिसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। उतर के बना, उतर के ऊपर। यहाँ पर एक सड़क के आसार हैं फैसल, लगता है ये भी अंग्रेजों की ज़माने की सड़क होगी जो अब ज़माने के हाथों बर्बाद हो चुकी है, और ये आसार कदीमा की कोई सड़क लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा पर सफर कर। नीम सहरा इलाका है और इसी रूट को हमें फॉलो करना है। यही रूट हमें हमारी आज की मंजिल यानी रन पठानी रेलवे स्टेशन लेकर जाएगी। सुफियान भाई, यहाँ से दो रास्ते ये जाएगा मेरे ख्याल पक्की के पास सर। नहीं फैसल भाई, ये जाएगा। गाड़ी आई, रेलवे ब्रिज से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाकर एक पहाड़ी टीले से 2 ट्रेनों को कवर किया। निकल गई 151 अब शाह लतीफ एक्सप्रेस। जो कि हमें रास्ते में ही मिल गई रन पठानी के। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं घारू रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम रन पठानी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, ये हम छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और 26 टाउन बहाउद्दीन ज़ीग्रिया एक्सप्रेस को कैप्चर किया है। बस इस जगह मौजूद है, यहाँ से 2 रास्ते निकलते थे। हमें यहाँ के एक मकामी ने बताया कि ये रास्ता जो ट्रकों का रास्ता है ये रन पठानी रेलवे स्टेशन को जाता है और दूसरा रास्ता मेन रोड यानी ओल्ड नेशनल हाईवे पर जाता है। तो हम ट्रकों वाले रास्ते पर अब सफ़र कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं ये रास्ता है जो रन पठानी रेलवे स्टेशन को जाता है और रन पठानी रेलवे स्टेशन यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर आगे है। फैसल साहब, ये वो रास्ता है जो हमें हमारे आज की मंजिल रन पठानी रेलवे स्टेशन लेकर जाएगा। ये ट्रकों के लिए एक रास्ता बना है और ये रास्ता काफ़ी बेहतर है बनिस्बत घारू रेलवे स्टेशन के, जहां बहुत ख्वार हुए थे पहुँचने में। पीछे चले आ रहे हैं स्पंकी एक्सप्रेस मोहसिन और सुफियान भाई, चलें चलें, लेट्स गो। व्यूअर्स, इस सुनसान वीरान अनजान सहराई इलाके में सफ़र करते हुए मुझको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ के सहराई पौधे, रास्ते में पड़े पत्थर, बिखरी हुई झाड़ियाँ मुझसे सरगोशियाँ कर रही हैं और मैं उनकी ये सरसराहट बखूबी सुन रहा हूँ। वो मुझसे बार बार यही इल्तिजा कर रही हैं
के। बरसती बारिश ये शाखों में गजरे और रोशनदान तुम्हारी राह रोकेंगे, मगर तुम लौट कर आना। सितारे चांद जुगनू और खुशबू, किसी की आंख का जादू, किसी की मुस्कुराहट के शगुफे तुम्हें मदहोश कर देंगे, मगर तुम लौट कर आना। सुनहरी धूप के जंगल, फजा में तैरते बादल, हवा में तितलियां उड़ती तुम्हें आने से रोकेंगे, मगर तुम लौट कर आना। वो सब रिश्ते जो तुमसे प्यार करते हैं, वो मौसम जो तुम्हारे पास रहते हैं, जंजीरें बनेंगे, मगर तुम लौट कर आना। तुम्हारे वास्ते जंगल समुंदर, हर एक सिमत नाचते गाते नज़ारे, गली कूचे पे चश्म लब, ये सब मौसम तुम्हारे मुंतज़िर हैं। और हम इस आस पर लम्हों को गिनते हैं कि तुम लौट कर आओगे एक दिन। ज़माना लाख रोके, राह में कांटे बिछाए, मगर तुम लौट कर आना, मगर तुम लौट के आना। सीधा सीधा वीबर, यहाँ पर भी दो रास्ते हैं तो हमें सीधे ही जाना है। चले फैसल, सीधे ही जाना है। वीबर जी, क्रेन आते हुए रन पठानी रेलवे स्टेशन से। असल भाई, मुझे आगे एक ट्रक नज़र आ रहा है जो गालबन रन पठानी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। चलें उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो आपको नज़र आ गया होगा। व्यूअर्स ये आप भी देख सकते हैं कि आगे धूल उड़ती नज़र आ रही है, वो एक ट्रक जा रहा है। मटेरियल टेस्टिंग लेबॉरेटरी, ये किसी ज़माने में कोई फैक्ट्री की जगह होगी जो बंद हो चुकी है। मोहम्मद अली ब्रदर्स, ट्रक वो आगे जा रहा है। व्यूअर्स ये एक डंपर आ रहा है रन पठानी रेलवे स्टेशन की जानिब से। देखा, व्यूअर्स सामने एक और डंपर चला रहा है रन पठानी रेलवे स्टेशन की तरफ। धूल मट्टी उड़ाता हुआ गुजरा एक डंपर, भाई काफी उड़ाएगा धूल मट्टी।
जाने से पहले, इसको जाने से पहले, इसको निकलने से पहले। व्यूअर्स ये आप जगह देख सकते हैं, लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटी सी झोपड़ी, भट्टे निकालने के ट्रकों के लिए यहाँ पे छोटी झोपड़ी है, ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, ट्रकों वाले रास्ते पर सफर करते करते हम लोग एक छोटे से मैदान में पहुंचे जहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। वो शायद उन ट्रक वालों का अड्डा था जो वहाँ से मिट्टी निकाल कर लेकर जाते थे। हमने झोपड़ी वालों से रन पठानी रेलवे स्टेशन के रास्ते के बारे में पूछा तो उनमें से एक भाई ने बाकायदा ज़मीन पर बैठकर लकीरें खींची और हमें उन लकीरों से रास्ता बताया, जो कि इतना पेचीदा था उस रास्ते को कोई माहिर जोग्राफिया दानी समझ सकता था, हमारी समझ से तो बिल्कुल बाहर था। खैर, हमने भाई को कहा ठीक है, हमने रास्ता समझ लिया है। तो चलते चलते उस भाई ने हमें कहा कि भाईजान, ये जो हमने आपको रास्ता बताया है यही रास्ता आपको स्टेशन लेकर जाएगा, मगर हम आपको ये बता देवे कि आप स्टेशन नहीं पहुंच पाओगे। खैर, हमने इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने का तहिया किया हुआ था। हमारे पास टॉम क्रूज तो मौजूद नहीं थे, मगर हमारे साथ रेल फैनिंग के शाहरुख खान, फैसल भाई मौजूद थे। भाई के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम लोग नदी में उतर गए। नदी सूखी हुई थी और नदी के अंदर का रास्ता इतना पेचदार और दुश्वार गुजार था कि ये हमारा ही दम था कि हम वहाँ से निकले। वहाँ एक रास्ते पर कई के रास्ते बन जाते थे और एक रास्ते पर हम सफ़र करते थे और वापस वहीं पहुँच जाते थे। लेकिन हमारे इरादे भी पुख्ता और अटल थे। हमने तहैया किया हुआ था चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रन पठानी रेलवे स्टेशन ज़रूर पहुँचना है। तो व्यूअर्स, हम लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए उतर पड़े हैं नदी के अंदर, सफ़र कर रहे हैं नदी में और हमें खोज है रन पठानी रेलवे स्टेशन की, जो हमारी आज की मंजिल है। वापिस मोड़े वो मुड़ गए। राइट जा रहा हूँ करके चढ़ाई नहीं आई है। उतरू मैं?
रिवर जी इंतहाई चिकनी मिट्टी और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से बाइक चल रही है। फैसल भाई अपनी महारत को बरकरार लाते हुए इस रेतीले इलाके से अपनी बाइक निकाल रहे हैं। देख सकते हैं छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये है चढ़ाई। फैसल भाई यहाँ ले ही चढ़ाई है, तो भाई ने हमें ये बताया था कि चढ़ाई आएगी थोड़ी। दोनों में से कौन सा चॉइस करें? चलो चलो
व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कैसे भूल भुलैया वाला रास्ता है। हमें ये मालूम ही नहीं हुआ कि हम कब नदी में उतरे और कब नदी से ऊपर चढ़े। आगे रास्ता छिद्रा और छोटा हो गया था। अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह के भरोसे इसी पर सफ़र करते रहे। आखिर इसी रास्ते पर सफ़र करते करते अचानक हमारी नज़रों के सामने आ गया हमारा महबूब रन पठानी रेलवे स्टेशन। व्यूअर्स, ये आ गया रन पठानी रेलवे स्टेशन। याहू, व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं रन पठानी रेलवे स्टेशन। आखिर हमें हमारी मंजिल मिल ही गई। अपने महबूब को नज़रों के सामने पाकर हमारी खुशी काबिले दीद थी और इन खुशी के एहसासात और जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। हम पहुंच गए थे हमारी आज की मंजिल पर। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सफ़र रन पठानी। इंशाल्लाह जल्द ही इस सफ़रनामा का दूसरा पार्ट भी आप व्यूअर्स की खिदमत में पेश करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग हमेशा की तरह पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद।